ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। विभिन्न मांगों को लेकर यूपी वर्कर्स फ्रंट बैठा धरने पर, लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हुआ उपवास। विभिन्न मांगों के समर्थन में यूपी वर्कर्स फ्रंट की तरफ से मुजैना ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठने से पंचायत महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में अधिकारियों ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर उपवास को समाप्त करवाया। यूपी वर्कर्स के मंडल संयोजक दिलीप शुक्ल ने एक पखवाड़े पूर्व मजदूरों से संबंधित एक मांग पत्र देकर अमल में लाने की मांग करते हुए प्रत्युत्तर देने की मांग की थी, लेकिन एक सप्ताह बाद भी अमल में न लाए जाने पर फ्रंट की तरफ से अनुस्मारक पत्र देकर समुचित उत्तर न देने पर उपवास पर बैठने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद भी ब्लॉक कर्मियों द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया गया, तो बुधवार को फ्रंट के मंडल संयोजक दिलीप शुक्ल, ब्लॉक अध्यक्ष रामतेज पासवान, राज बहादुर व भल्ले महाराज समेत कई लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपवास धरने पर बैठ गए, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार कर 2 घंटे में आश्वासन देकर धरने को समाप्त करवा दिया। एडीओ आईएसबी एसपी मिश्रा ने बताया कि फ्रंट की मांगों के संबंध में संबंधित रोजगार सेवक पंचायत सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फ्रंट की ओर से मांग की गई है, मांगों के संबंध में सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है। वही संयोजक ने कहा कि आश्वासन के साथ ही लिखित उत्तर मिलने के बाद उपवास को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब आगे देखा जाएगा कि लिखित आश्वासन अमल में लाया जाता है अथवा नहीं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। धान्यपुर से संवाददाता उमापति गुप्ता की रिपोर्ट।